सो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडा बहुत हो रहा है इसलिए मेरे मुंह से भाप निकल रही है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दैट्स मोटरहोलिक सिरिंग। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग बेशुमार प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं वीडियोस पे। प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जरूर कमेंट करिए वीडियोस पे, क्योंकि कल ही मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि यूट्यूब जो है वो एल्गोरिथम तब समझता है वीडियो की जब उसमें कमेंट्स और लाइक्स की क्षमता बहुत ज्यादा हो। तो कमेंट्स मेरे में बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस में, तभी मेरे ख्याल से जो है मेरी वीडियोस उतनी चल नहीं रही है। एक दो तीन वीडियोस हैं जो चली है, एक एक्सेसरी जो चली है उसमें है लगभग 350 से 400 कमेंट्स, तो उसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। लगभग 1.2K 1,20,000 व्यूज आ चुके हैं उसमें। थैंक यू करना चाहूंगा उसके लिए, तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्लीज उस सब जो भी मतलब मैं वीडियो डालता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस पे भी आप प्लीज लाइक और कमेंट ठोकना ना भूलें। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए और हो सके तो लाइक और कमेंट कीजिए। ओके, सो आज का जो बाकी सब बातें छोड़ के आज का जो मेन टॉपिक है उस पे बात करते हैं, उसके चर्चा पे उस विषय पे चर्चा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है। तो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है वो क्या चीज है। तो वो है बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप, जो कि मतलब अब मेरे लिए तो वो बेस्ट है। मैं आपके लिए भी, जो भी जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, तो मैं जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे को लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं यूट्यूब में आके, और मेरी तरह बहुत सारे होंगे जिनको लाइक 2 दिन भी हो गए होंगे, जिनको 2 महीने भी हो गए होंगे, 2 साल भी हो गए होंगे। तो बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भाई बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप क्या है। तो बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप तो मतलब नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि यार बेस्ट इससे भी बेस्ट हो सकता है। तो कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई बेस्ट ये नहीं है, बेस्ट ये है। तो मैं अपने लिए जो मेरा जो बेस्ट है, वो जो मेरे को सूटेबल है और मेरी बजट को जो अफोर्ड कर, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो मेरा ही तरफ से उसको मैं मतलब एक तरह से दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग खोल के दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। तो चीजें कैमरा के उस पार चलते हैं गाइस, फ्लिप करता हूँ कैमरा। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा और जो सबसे मेरी पुरानी चीज है वो है ये। तो ये एक ट्राईपॉड है जो मैंने सबसे पहला जो मेरा परचेज था वो मैंने किया था, अमेजोन से मंगाया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही यूजफुल ट्राईपॉड था, कहीं पे भी इसे बांध लो, मरोड़ दो, तोड़ दो। ये मेरे स्पीति व्लॉग में मैं ले गया था इसको, और स्पीति का जो मेरा टूर था उसमें इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, क्योंकि इसको मैंने जो है बाइक के शीशे में ज़्यादा तेज मरोड़ दिया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हो गया। तो दिस इज ऑफ नो यूज नाउ। तो इसकी एक एडवांटेज क्या था कि इसके ऊपर आपका GoPro भी फिट हो जाता है और आपका फोन भी फिट हो जाता है। तो बेसिकली आई यूज टू यूज दिस फॉर माय GoPro। और एक था मेरा ट्राईपॉड, और दूसरी चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा वो है ये मैजिकल बॉक्स। तो इस मैजिकल बॉक्स के अंदर मेरा बहुत कुछ सामान है। वैसे तो ये बॉक्स जो है वो मेरे GoPro का है। तो सबसे पहला मेरा मेन जो क्या बोलते हैं उसको औजार, वो है मेरा GoPro Hero 9। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से मंगाया था। इसमें आपका साथ में मैंने लिया था एक मीडिया मोड, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और मीडिया मोड का एडवांटेज ये है कि आप इसमें आपका क्या कहते हैं माइक केबल, आपका चार्जिंग पोर्ट और आपका USB चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो है इसका वो है माइक, जो कि ग्रैब करता है सारे जितने भी ऑडियो होते हैं वो ग्रैब करने के लिए। बाकी बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो पहले मैं व्लॉगिंग के लिए भी इसे यूज़ करता था और मोटो व्लॉगिंग के लिए भी इसे यूज़ करता था, लेकिन अब जो है मैंने स्विच कर दिया है। मोटो व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ GoPro 9, और अपने डेली व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना iPhone 13 Pro Max। तो दिस इज़ द कैमरा दैट आई यूज़। I bought it for 49,000, I guess. और अभी जो मेरा लेटेस्ट परचेज है guys, that is my Rode Lavalier Go. तो ये है मेरा Rode का माइक, और ये मैंने लिया था अप्रॉक्स आई गेस 5,000 रुपये का लिया था। इसमें ये डीकैट आता है साथ में। दिस आई बॉट फॉर माई iPhone फॉर माई डेली व्लॉगिंग, क्योंकि बहुत ही मतलब विंडी सिचुएशंस हो तो उसमें ये बहुत ही अच्छा डेड कैट काम करता है, और मतलब जो सराउंडिंग की जो नॉइजेज है उसको बिल्कुल भी
वो नहीं करता है, क्या बोलते हैं, मतलब कैप्चर नहीं करता है, सिर्फ जो इसके सामने बोलूंगा मैं सिर्फ उसे ही कैप्चर करेगा, बाकी फालतू की कोई भी नॉइज़ ये गैजेट गैदर नहीं करेगा। तो इसके साथ आता है ये डीकैट और ये है मेरे आईफोन का ऑक्स इन, और बाकी एक ही माइक हो गया। बाकी दीज आर द टूल्स विच आई बॉट फॉर माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो इनका फिलहाल कोई काम है नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। और मेरा परचेज क्या है, सो एक है ये मेरा यूलानजी का ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड कम गोप्रो होल्डर, जो भी कह सकते हैं उसे आप, काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो यूलानजी का ये प्रोडक्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने परचेस करना हो तो आप कर सकते हो। इसमें आपका ये सेल्फी स्टिक है जो कि करीबन 1 फुट के करीबन लंबा है और काफ़ी यूजफुल चीज़ है, एंड इसमें आप अपना फ़ोन यूज करके इसमें अपना फ़ोन भी लगा सकते हो, और इसको आप नीचे करके इसमें अपना आपका GoPro भी आ जाएगा। तो GoPro का अगर मैं आपको सेटअप करके दिखाऊं, तो फिलहाल तो मैंने ये लगा रखा है अपने बाइक का जो इसमें होल्डर है ये लगा रखा है, अदरवाइज इसमें एक चीज़ लगेगी जो कि मेरे इस बॉक्स के अंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सेटअप है ये इसके अंदर यूज करके स्वेल डाउन, ओप्स सॉरी, तो ये जो है इसके अंदर यूं करके बेसिकली घूम के लग जाएगा और इसके ऊपर जो है ये GoPro आ जाएगा। तो इट विल बी अ व्लॉगिंग कैमरा ऑल्सो, बट आई डोंट यूज़ माई GoPro एनीमोर फॉर माई व्लॉगिंग सेटअप। तो इसमें मेरा कैमरा जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है अपना आईफोन, तो यूं करके अपना ये व्लॉगिंग सेटअप काफ़ी हैंडी है, काफ़ी यूजफुल है, ग्रिप स्टर्डी है इसकी, बहुत ही अच्छी ग्रिप है, रफ है तो जैसे ये प्लास्टिक लेकिन रफ है और काफ़ी स्टेडी ग्रिप है, ऊपर से इट वर्क्स एज अ ट्राइपॉड सीरियल वाइज आया और बहुत ही अच्छे सीरियल में आया है, ऐसा लगा जैसे पूरा मैंने सेटअप करके रखा, मैंने बैग में से रैंडमली सारा सामान निकाला और जो है जैसे मैं चाहता था उसी सीरियल से आया जैसे मैं लास्ट इसको चाहता था, जो कि है ये मेरा लेटेस्ट परचेज द DJI। तो इसके अंदर आप लोगों को तो जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उसको तो पता ही होगा जो मेरा गिफ्ट आया USA से थैंक्स टू ओम भाई, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके वो वाली वीडियो देख के आएँ। और दिस इज माई लेटेस्ट गिफ्ट बोल सकते हो या परचेज बोल सकते हो, तो ये है DJI OM5। तो काफ़ी अच्छा कवर है इसका, वेलवेटी लेदरिश फील है, बहुत ही अच्छा कवर बोल सकते हो इसे। और DJI OM5 इज नोन फॉर इट्स लाइट वेट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो इसको खोलने के लिए मेरे ख्याल से इसको ऐसा करना पड़ता है एंड इट्स गुड टू गो, और ये लग जाएगा मेरे मोबाइल के पीछे और ये चिपक जाएगा यहाँ पे, पट से हेडशॉट,
तो ये यूं चिपक गया गाइस, और उसके बाद यू गुड टू गो। तो ये आपका कैमरा में जैसे आपके मोबाइल होल्डर होते हैं वैसा होल्डर है, यूं करके एडजस्ट होकर आपके मोबाइल में लग जाएगा। उसके बाद तो यू आर गुड टू गो, ये यहाँ से ऑन हो जाएगा एंड लॉट्स ऑफ क्रेजी थिंग्स यू कैन डू। मैं बहुत जल्द इसका एक वीडियो बहुत जल्द जिसे कहते हैं वो मैं डालने वाला हूँ, जिसमें होंगे DJI OM5 के सिनेमैटिक्स और इससे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो एक डिटेल रिव्यू मतलब टाइप का हो जाएगा इसका। इसके साथ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी जो लगी वो है इसका ये ट्राईपॉड। तो ये मेरे सेल्फी स्टिक का भी काम कर रहा है, दिस इज़ अ ट्राईपॉड बेसिकली। एंड इसमें है एक और जो कि DJI 4 में नहीं था, एक ट्राईपॉड, थोड़ा छोटा है लेकिन ट्राईपॉड है, यही बहुत बड़ी बात है। टू कैप्चर दोज लो वीडियोस, नीचे का जो वीडियोस मतलब काफ़ी जो नीचे होता है उसके लिए झुकना पड़ता है, लेटना पड़ता है, कोई लेट के भी फोटो खींचता है, तो उसके लिए है बेसिकली ये कि आपको लेट की फोटो ना खींचनी पड़ी। इसको खींचा और ऐसा करके नीचे से पूरा अंडरग्राउंड शॉट्स ले सकते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। ओके सो इसको हम खोल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो या दिस दैट्स इट, और क्या बचा मेरे इसमें, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गाइस। माइक मेरे पास ये आ गया, पुराना माइक मेरा ये आ गया, गिम्बल अपना ये आ गया, ट्राईपॉड अपना ये आ गया, मोबाइल अपना इस मोबाइल, ओ मेन चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, मेरा मोबाइल जो कि है iPhone 13 Pro। और उसका मैं बात करूँ तो अरे भाई अलमारी खोली और डब्बा भी मिल गया, तो मैं फ़ोन तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम द फोन गाइस राइट नाउ। सो दिस इज़ द फोन दैट आई एम शूटिंग फ्रॉम, iPhone 13 Pro Max। बहुत ही उम्दा कैमरा है, बहुत बहुत ही उम्दा। लाइक कोई बोलता है ना कि 12 से 13 में स्विच करना बेकार है, लेकिन मैं कहूँगा 12 से 13 क्या, 12 प्रो मैक्स से भी 13 प्रो मैक्स में शिफ्ट करना इज़ अ गुड ऑप्शन गाइस, बिकॉज इसका जो कैमरा है ना, माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक्स, माइंड ब्लोइंग वीडियोज, माइंड ब्लोइंग एवरीथिंग यार, बहुत ही अच्छा कैमरा है। और मैं तो मतलब दिल खुश हो गया यार, दिल खुश। मैंने पर्सनली ये फ़ोन दुबई से मंगाया था, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए मंगवा के दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस, यू कैन गो फॉर इट इवन इफ़ यू आर ओनिंग अ 12 प्रो मैक्स। आई ओन द 11 प्रो मैक्स, देन आई शिफ्टेड फ्रॉम 11 प्रो मैक्स टू 13 प्रो मैक्स, लेकिन जो इसकी जो बात है ना 13 प्रो मैक्स की, तो वो बात गजब है भाई, मतलब इनसेन फोटो क्वालिटी, इनसेन वीडियो क्वालिटी, इनसेन सिनेमैटिक्स, जो इसका मेरे को बेस्ट, अभी भी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो सिनेमैटिक्स में कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, मेरे ऑटो फोकस कर रहा होगा या मेरे हाथ में आई डोंट नो, लेकिन इसका जो फोकस है गाइस, जो पीछे ब्लर करता है, बिल्कुल DSLR वाली इफेक्ट देता है, बहुत ही उम्दा। तो गाइस दैट्स इट बेसिकली, तो जो मैं अभी फिलहाल यूज़ करता हूँ अपने डेली ब्लॉगिंग के लिए वो है ये कि मैं अपना आईफोन लगाता हूँ यूं करके, और जो मेरा ये माइक है वो यूं करके आ जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप को छोटा सा अपना सेटअप करके दिखा देता हूँ जो मैं डेली ब्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना आईफोन तो निकाल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये है कि आप समझ जाओगे कि मेरा आईफोन में घुस जाता है यूं करके, और ये आ गया मेरा माइक रोड का। और इसमें आप बोया का भी ले सकते हो, लेकिन बोया और रोड का तो कंपैरिजन है ही नहीं यार, रोड रोड है, बोया बोया है, और बोया तो ये है देखो बोया, आई गेस या दिस वाज बोया, तो बोया का ही बिल्कुल सिमिलर माइक आता है, तो किसी का बजट थोड़ा लो है तो वो जा सकता है बोया के डेड कैट वाले माइक पे, वो भी अच्छा है मतलब, लेकिन आई पर्सनली चूज रोड बिकॉज देखा हुआ है सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं व्लॉगर्स हैं तब ज़्यादातर सब रोड यूज़ करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि भाई, फिर मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी अच्छा माइक का रिव्यू था, तो इसलिए मैंने रोड चूज़ करा, अदरवाइज बाकी फ़ोन जो है वो यहाँ लग जाएगा मेरा। और ये हो गया अपना डेली व्लॉगिंग सेटअप, देख सकते हो आप ये अपना टिंग। फ़ोन में भी अभी इस समय लगा के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फ़ोन अभी वीडियो कैप्चर कर रहा है, वो अपने क्या बोलते हैं उसको रिंग लाइट की उसमें लगा हुआ है, तो फ़ोन मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा व्लॉगिंग का सेटअप क्या है। तो ये है मेरा यूलानजी का ट्राईपॉड और रोड का माइक, एंड इसमें लग जाता है मेरा फ़ोन, बाकी मोटो व्लॉगिंग के लिए एज आई टोल्ड यू इज़ माई GoPro Hero 9 Black। तो काफ़ी अच्छी वीडियो फुटेज आती है इससे मोटो व्लॉगिंग के दौरान। बाकी इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल, मैंने अभी इसका स्टेबिलिटी चेक करा नहीं है, जब से ये आया है तब से बंद ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही वीकेंड आ गया था, तो वीकेंड में एज यू नो आई एम अ बिट बिजी इन माई शॉप, सो आई कुडंट टेस्ट द DJI OM5। तो जल्द ही इसका भी एक वीडियो बनाएंगे और इसका टेस्ट करते हुए कि कैसा चलता है ये DJI का OM5। तो फिलहाल के लिए इसको करते हैं बंद,
और वीडियो को करते हैं एंड। लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसी झकास झकास न्यूज भाई लोग आपके लिए लाते रहेंगे और सपोर्ट कीजिए। एज आई एम न्यू टू यूट्यूब तो एक फटाफट से लाइक और एक फटाफट से सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, साथ ही साथ में एक वो घंटा जो दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको उस बात का पता चलेगा। तो इसीलिए गाइस सपोर्ट करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज़ मी मोटोहॉलिक शेरिंग बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस बने रहिए मेरे चैनल पे, तो बाय बाय।